कोई भी किसी भी साधना के लिए स्नान नहीं करना है, आपको एक कपड़े डालकर साधना को संपन्न करना है। पहले आप यहाँ से जाएंगे, भोजन करेंगे और सीधा जहाँ भोजन का धन हो रहा है वहाँ आएंगे। जो लोग साधना कर रहे हैं अपना अपना स्थान देखकर साधना पर बैठे, साधना आ करके दूसरे लोगों को और मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे भी मैं भी साधना रहता हूँ, मुझे भी डिस्टर्ब ना करें। नंबर दूसरी बात, जो साधना नहीं कर रहे हैं केवल समस्याओं के लिए आए हैं, वो अपना कागज शिवा को दिए हैं तो वो लोग शिवा के पास आकर खड़े रहे हैं, मैं उनको लेकर लेकर भेज देता हूँ। जो लोग केवल समस्याओं के लिए आए हैं, तुम्हारी समस्या का हम साधना नहीं करते हैं तो हमारे से साधना नहीं होगी, ऐसा कहने वाले लोग, आप शिवा के पास आपका पेपर दिए रहे हैं तो उनको मैं उनके हाथ से लेकर आपको दिला देता हूँ, वो इस पेपर को ले लेना है। पांच साधना आज रात से लेकर कल सुबह 5 बजे तक भी और कल दोपहर के 12 बजे तक भी साधना की जो 5 साधना नहीं कर सकते हैं उसके लिए कोई समय का ये समय का कोई कमी नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखते हैं। और अभी भोजन करके सीधा आप सब लोग हम आते हैं दहन होलिका दहन के पास आ गए, उसके बाद हम साधना आरम्भ, होलिका दहन होने के बाद ही सारी साधना को आरम्भ करना है, इस बात का ध्यान रखें। और आप खाना खाने के बाद फिर स्नान करना क्या, इस बात को स्नान नहीं करना है, आप केवल उस वस्त्र को साधना के वस्त्र को धारण करते हुए साधना संपन्न कर सकते हैं। जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं वो लोग शिवाजी के पास से यंत्र ले लेना और जाकर आकर यहाँ सो जाना, साधना करने वाले को डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और आप सुबह 3 या 5 बजे तक भी सारी साधनाएं कर सकते हैं, जो माना है कि साधना सामग्री आप किए हैं, इस बात को आप ध्यान से याद रखना। बार बार कह रहा हूँ साधना करने वालों वालों को डिस्टर्ब ना करें, जिनको साधना नहीं होती वो लोग आकर खामोश यहाँ पर सो जाए और साधना करने वालों को साधना करने दें। सुबह जो करना है सुबह जो साधना करनी है मैं सुबह ही आपको बताऊँगा, होलिका दहन के बाद आपको साधना आरम्भ करनी है, जो भी साधना करनी होलिका दहन पर। और इस वक्त का भी ध्यान रखें, साधना को कोई रूम में वगैरह जाकर नहीं करना है, आपको साधना करते समय चंद्र और जल दिखना चाहिए, या तो जल के बिंदु में आप चंद्र को देखो या चंद्र को देखते हुए साधना करना, इसलिए मैं कुंड के पास साधना को रखा हूँ। इस होली की साधना को खुले में करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी के प्रति बंधन अनंत हो गए, अनंत को आते नहीं है, वो किसी भी तरफ घूमते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने चंद्र में ही रास लेला, बड़े मैदान में जहाँ बगीचा था जहाँ वृंदावन था वहां उन्होंने रासलीला अनंत की साधना संपन्न की। इसलिए साधना को खुले में करना है, कोई रोग में बैठकर साधना करनी नहीं है। आप एक हो दो साधना नहीं कर रही है तो मुझे नींद आ रही है, रुपये में जाओ क्या 5 बार हो गई 2 बार हो गई, कुछ भी पूछना नहीं, साधना पूर्ण होती है, पूर्ण हुई नहीं हुई तो अभी सो जाओ, लेकिन बार बार आपको पूछना नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। और एक बात, मेरे पास काले कपड़े नहीं है, पीला कपड़ा है, सफेद कपड़ा है, ये सारी बातें बातों को ध्यान रखिए कि जो साधना में मैं लिखा हूँ उस साधना में बेहतर करो। और उसके बाद होलिका दहन का भस्म एक बार आप लगा लेने के बाद आप कौन से कपड़े पहने हैं इसका कोई आप विचार मत करो, लेकिन कपड़े डालने से मुझे कहा कि देखिए कि जिस देवता की साधना आप कर रहे हैं वो देवता का तत्व और समावेश हो, इसलिए उसे कपड़े धारण करिए, नहीं है तो चिंता की बात नहीं, मत करो। होलिका दहन का भस्म लगाने के बाद आप साधना संपन्न कर सकते हैं। अभी आपको आधा घंटा घंटा जो भी समय दे रहा हूँ, आपको जो भी बनता है वो खाना खाकर सीधा सभी लोग होलिका दहन के पास आ जाओ, मैं साधना संपन्न करवा रहा हूँ, सभी लोग साधना के लिए बन आ जाए। साधना जैसे वर्णु वो चीज को भी वो चीज को भी प्रमोशन के साथ जैसे स्नान किया सारा जो अरेंज किया हुआ है, एक बार क्या है को भोजन करते समय गुरु जी आपके पहन के भोजन नहीं करना चाहिए या हाथ नहीं मिला चाहिए, केवल साधना के समय ही गुरु जी अपने ऊपर रखनी चाहिए, बाकी समय में गुरु जी को भोजन का निशान चालू रखना चाहिए। भोजन कर लो, भोजन करके होली का दहन करेंगे, होली का दहन करो, होली का दहन का भस्म लगा लो और आप साधना संपन्न करो, सुबह 3, 5, 7 पूरी भी साधना संपन्न कर सकते हैं। फिर मैं इसका सुबह का कार्यक्रम सुबह आपको सभी सुझाऊंगा, जिनको नींद आती है और लोग आगे सो जाओ, लेकिन भक्तों को नींद आई नींद माला मुझे नींद आ रही है मैं जाओ क्या, इस पर आप अपूर्ण साधन करते हैं तो उसका श्राप जो देवता देता है सुबह भी आपको बताया है, साधना पूर्ण होनी है, सब साधना पूर्ण करनी ही है, जो साधना पूर्ण करते हैं उनको किसी किसी प्रकार का दोष लगता है, जैसे गर्भस्राव का होना 9 महीने तक 9 महीने होने के बाद ही बच्चा पैदा होता है, इसलिए जो संख्या मांग गई मैंने चौपट मांग गई थी चौपट मांग होनी ही चाहिए, पटेत मांग गई पटेत मांग होनी ही चाहिए,
उसकी पूर्णता आपको देखना है, वो करके भी साधना को आप सुलझा सकते हैं, इसी साधना संपन्न वहां से आप आकर आप सुलझा सकते हैं। लेकिन साधना नहीं हुई इसके लिए चिंता करते किसी को डिस्टर्ब ना करो, ये डिस्टर्ब चाहिए को ना मेरे गुरु अवतार करने साधना जैसे से ये साधन चेहरा को कुछ पढ़ो निकाली आप साधन काले को की नहीं मानने में मानते हो और ये साधन चेहरे के लिए और शिव के लिए ये पेपर चेस में भी बड़ा टेंशन बना दे रही है और एक इसमें कुछ पढ़ो साधन चेहरे को डिस्टर्ब चाहिए करने एक बार फिर बता रहा हूं आप पूरी तरह से सब पूरी तरह से मास आ जाओ एक बार देखो तो और पढ़ो करने से भगवान की जय। आप कोई डाउट है तो अभी पूछ लो।